हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बी माय मेंटर। आई एम वैभव। और यार आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स आ रहे हैं, काफी सारे एग्जाम्स है, सीयूसीटी के एग्जाम्स है, जेईई मेंस के एग्जाम है। तो मैंने सोचा यार कि चलो इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो यार आज का टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। आज हम बात करेंगे उन 10 गलतियों के ऊपर जो कि काउंसलिंग के टाइम में बच्चों को नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यार मैंने बहुत सारे बच्चों, इवन अपने फ्रेंड्स को देखा यार ये गलती करते हुए, और उनका भुगतान ये हुआ है कि यार उन्हें साल भर बैठना पड़ गया हो और फिर वो अगले साल फिर पेपर दे के उसी कॉलेज में गए। तो मैं चाहता हूँ यार कि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो आओ उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं यार कौन कौन से पॉइंट्स है। तो यार सबसे पहला पॉइंट है अप्रोचिंग फेक एजेंट्स, ठीक है। तो यार मुझे इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ यार कि जो ये वीडियो देख रहा है उसके पास इसका एक स्टोरी जरूर होगा, चाहे अपने बड़े भैया के पास या अपने पड़ोसी के पास, ठीक है, कि एजेंट्स के साथ मिलके कॉलेज के लिए अप्लाई किया और नहीं हो पाया, कॉलेज फेक निकला, सॉरी एजेंट फेक निकला, ठीक है। तो यार पहला चीज ये कि यार देखो होता क्या है ना कि जब अपन कोई कॉलेज का काउंसलिंग राउंड भरते हैं तो उसमें 6 राउंड या 7 राउंड होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है यार कि 5 राउंड तक मुझे कॉलेज नहीं मिले, तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम एक पेशेंस का लेवल लूज कर देते हैं, ठीक है। और उसी टाइम ये एजेंट्स आकर होते हैं कि यार हमें XYZ अमाउंट दे दो और हम तुम्हारा X1 Y1 कोई भी Z1 कॉलेज में करवा के ABC स्ट्रीम के साथ तुमको भेज देंगे। और काफी सारे पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो इनके बातों में आ भी जाते हैं और पैसे दे भी जाते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ना अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है कि यार मुझे क्या, मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ना कि कोई एजेंट डिसाइड कर रहा है मेरा फ्यूचर, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत लोग गलतियां करेंगे, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद भी उन्हें मन में लगा कि यार चलो यार पैसा दे देते हैं, ठीक है, लेकिन यार एक बार सोच लेना, ठीक है, ढंग से स्टार मार्क कर लो यार ये पॉइंट, ठीक है, दिमाग से नहीं निकलना चाहिए काउंसलिंग के टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं यार। दूसरा क्या है, कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल लिस्टेड इररिलेवेंट वेबसाइट्स, ठीक है। कईयों के साथ ये हुआ है यार, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है यार कि X1 वेबसाइट है, X2 वेबसाइट है, और जो मेरा ओरिजिनल कॉलेज का वेबसाइट है उस पर तो अभी तक डेट अपडेट ही नहीं हुआ है, लेकिन यार एक वेबसाइट बोल रहा है यार कि 25 तारीख को पेपर होगा, एक बोल रहा है कि 26 तारीख को पेपर होगा, अब मैं किसकी बात पे विश्वास करूं, ठीक है। तो इन सब चीजों से भी बच के रहना है अपने को, क्योंकि होता क्या है ना यार कि ये सब जो होते हैं ये सब न्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये सब अपना प्रिडिक्शन लगा के चलते हैं कि यार अगर इस कॉलेज का इतने डेट पे हो रहा है तो इस कॉलेज का उस डेट पे होगा, या इस कॉलेज का इस डेट पे हुआ है तो अगले कॉलेज का उसके 10 दिन बाद होगा, उसके 15 दिन बाद होगा, ठीक है, ये ऐसे प्रिडिक्शन लेके चलते हैं। लेकिन हमारा जो कॉलेज है ना वो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अभी लाइफ बड़ा अनसर्टन है, ठीक है, कोविड हो गया, फिर बाकी सब चीजें भी हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अपने कॉलेज पे विश्वास रखना, ठीक है, उसके मेन वेबसाइट पे विश्वास रखना, और जो कॉलेज के मेन वेबसाइट पे दिया हुआ है बस उसी पे विश्वास रखना। अगर अपडेट नहीं हुआ है डेट तो बिल्कुल आग बंद करके सोच लेना कि नहीं आने वाला है, आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो यार ये भी खत्म हो गया, तो चलो जो जो खत्म हो रहा है उसको मैं काटते जाता हूं, ठीक है, उसे मैं हटा देता हूं कि हमें ये गलतियां तो नहीं करनी है, ये गलती हमें नहीं करनी है, ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है यार, एक चीज और, ऐसा मत समझना है कि यार मुझे किसी ने पीपीटी दे दिया और मैं तुम्हारे सामने बाकी जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये जो 10 मिस्टेक्स है ना ये मैंने खुद अपने लाइफ से, अपने दोस्तों के लाइफ से और काफी सारे स्टूडेंट के लाइफ से एक्सपीरियंस कराया है, देखा है, और उसके बाद ये मेरा 10 रिजल्ट है, ये मेरा 10 पॉइंट है, किसी के और कुछ 10 पॉइंट हो सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, देखो, नॉट नोइंग द बेस्ट कोर्स द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर। देखो यार एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यार कि हमारी जो आज की जनता है ना वो विशुद्ध अंधे है, ठीक है, वो एकदम अंधे है, वो हल्का सा भी दिमाग नहीं लगाना चाहती, वो सोचती नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या है, कैसे करना है, ठीक है, उन्हें तो बस भेड़चाल फॉलो करना है, ठीक है, कि यार ये कर रहा है, इसका बेटा कर रहा है, तो यार चलो हम भी चलेंगे, हम भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे। तो यार देखो ये एकदम मत करना, ठीक है, एक प्लान लेके चलो, एक शेड्यूल लेके चलो यार कि मुझे आगे 10 साल बाद मैं अपने आप को किस स्टेज पे देखता हूँ,
किस लेवल पे देखता हूँ और उसके लिए मुझे कौन कौन से कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे। अगर मैंने वो कोर्सेज चूज किए तो क्या मैं जो कॉलेज अपने पास्ट में सोचा हूँ या फिर अभी मैं जो कॉलेज लेके चल रहा हूँ क्या वो कोर्स के उस फ्यूचर में हेल्प करेगा वो कॉलेज, और अगर करेगा तो ऐसे कितने कॉलेजेस है और ऐसे कितने कॉलेजेस कितने कोर्सेज मैं ले सकता हूँ अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोच के चलोगे ना तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, भेड़ चाल मत फॉलो करना, बस हमें बस इन्हीं सब चीजों से बचना है क्योंकि यार आगे बहुत रिग्रेट होगा अगर गलत कोर्स ले लिया तो कॉलेज में, और हाल भी मेरे दोस्तों की तरह ही होगा। ठीक है, तो मैं स्टोरी लेके नहीं बैठ सकता यार क्योंकि वीडियो भी शॉर्ट रखना है, अगर लाइव सेशन होता तो 4-5 घंटे घींच देता, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो यार चलो ये भी पॉइंट अपना कवर हो गया, इसको भी काट दो, आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो यार फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, देखो अगर नहीं दिख रहा तो एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते थोड़ा। हाँ, अब देखो क्या लिखा है, जीरो और इनसफिशिएंट बैकग्राउंड रिसर्च ऑफ द कोर्स एंड कॉलेज। ठीक है, फिर से वही अंधे लोगों की वाली बात, कुछ सोचना नहीं है कि यार कॉलेज क्या लेना है, कुछ सोचना नहीं है कि कोर्स का लेना है, बस हाँ भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस एक्स वाई जेड कॉलेज से, बस अपना तो काम चल रहा है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा और अपने पैरों पर भी खड़ा हो ही जाएंगे, तो यार उनका अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों से भी बच के चलना है यार। अगर मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूं तो यार कम से कम मैं उसकी 5-6 साल की रिकॉर्ड निकालूंगा, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, और जो ब्रांच मैं चूज करने वाला हूँ, जो कोर्स मैं चूज करने वाला हूँ उसके बारे में देखूंगा यार कि उस कोर्स से रिलेटेड क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ क्या प्लेसमेंट्स के लेके, या फिर और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिसकी प्लेसमेंट उससे अच्छी है, क्या मेरी रैंक उसकी उतनी है जितना मैं उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आ सकता हूँ या मैं जितना सोच रहा हूँ मुझे मिल सके। ठीक है, तो इन सब बातों का भी बहुत ख्याल रखना काउंसलिंग करने टाइम, गलती मत करना। ठीक है, और एक लिस्ट बना के चलना कॉलेज का, और लिस्ट और उसके बगल में उसका रैंक। ठीक है, जितना तुम्हें आया है और जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे इस रेंज के बीच में मैं फॉल करूंगा, तो अगर मुझे एक्स वाई जेड भी ब्रांच मिलेगी तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा गोल अचीव हो जाएगा उस लेवल तक। एक चीज तो ये चीज सोच के चलना। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। देखो यार आज के जमाने में ना इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी है, हर चीज के बारे में सोच के समझ के चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम हवा में लेंगे कोई भी बातें तो वो फिर खत्म ही हो जाती है। ठीक है, तो यार ये सब मत करना, और इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी मत करना। चलो यार पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है यार गेटिंग मिसगाइडेड बाय द बोगस एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हाथ खड़े करो यार जिनकी जिनकी ये सिचुएशन हो चुकी है लाइफ में, मैं तो करता हूं, ट्रूथ है भाई, सबके साथ होता है। ठीक है, कि यार भाई सुन मेरी बात, देख मैं इस कॉलेज में जा रहे, अपन दोनों सेम गांव के रहेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे पहले तो बात मत करना, अपना पोटेंशियल अपने हाथ में होता है। ठीक है, अपना पोटेंशियल खुद देखो कि यार मैं कहाँ लाइक करता हूँ, क्या जो ये बोल रहा है क्या वो मेरे गोल को अचीव होगा कि नहीं होगा, ये भी लेके चलना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना आप चीजों को काउंसलिंग के टाइम में। ठीक है, और यार रिलेटिव्स के बात में मत बोलना कि यार मेरा बेटा को तो इस कॉलेज में मैंने इतने में करवा दिया तो और तुम्हारा भी करवा देते हैं, मेरे पास एक आदमी है, तो चलो ये सब चीज से भी बच के रहना। ठीक है, रिलेटिव्स और दोस्तों को हम जवाब देंगे, ठीक है, सही टाइम आने पर जवाब देंगे, अभी नहीं देंगे। ठीक है, अभी अपना दिमाग लगाना है और जहां मैं लाइक करता हूं, जहां पे मेरा पोटेंशियल है, जहां पे मुझे जाना है, मैं वो अपना हाथ से डिसाइड करूंगा कि वो कौन सा कॉलेज होगा और वो कौन सा कोर्स होगा। ठीक है, ये भी गया क्योंकि यार मुझे पता है ये काउंसलिंग के टाइम में ये सब फिर बातें तुम्हें रिपीट होंगी। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स निकल के आएंगे, तुम्हारे फ्रेंड रिलेटिव्स निकल के आएंगे, जब कॉलेज नहीं मिलता है ना यार तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, काफी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि ये मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी बता सकता हूं। ठीक है, मतलब एक टाइम के लिए तो ऐसा होता है यार कि यार खाना भी नहीं खाया जाता है, तो यार हैव पेशेंस। ठीक है, सबके साथ अच्छा ही होता है और अच्छा ही कॉलेज मिलेगा मुझे पता है। तो यार अपने फ्रेंड्स की बातों में, क्योंकि यार उन्हें अब तुम्हारे फ्रेंड्स को उनका अपना पोटेंशियल पता है, तो क्या वो अपने पोटेंशियल से तुम्हें जज कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं। छठवा पॉइंट क्या है, देखो, नॉट एक्सप्लोरिंग द स्कोप एंड जॉब प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड कोर्सेस। अब मैंने जो कोर्स लिया यार, मैंने ये इंटरेस्ट से कोर्स ले लिया है, ठीक है, मेरा इसमें पैशन है कि मैं इस यही कोर्स करूंगा, लेकिन क्या यार तुम्हारा पैशन तुम्हें पे करेगा 4 साल बाद, ये भी तो देखना बहुत जरूरी है।
ठीक है, अगर अगर एक बात देखो, एक हार्ड ट्रुथ बताता हूँ मैं लाइफ का, अगर तुम्हारा पैशन तुम्हें पे नहीं कर रहा है ना, तो माचिस मार दो ऐसे पैशन को, कोई फायदा नहीं है ऐसे पैशन का, ठीक है। सबसे बड़ा चीज यही होता है लाइफ में। तो हमें क्या करना है कि सोच के चलना है, फिर से वही बात, सोचना सोचना सोचना, दिमाग खोल के सोचो, ठीक है। कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले एक बार ध्यान दो कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं मेरे पास, कौन कौन से कॉलेजेस नहीं है, क्या क्या है मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस जो मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्या जो कोर्स मैं कर रहा हूं उसमें मुझे 4 साल बाद क्या मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, या फिर मेरे लाइफ में और भी स्ट्रगल लिखी है उसके बाद, ठीक है। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, ठीक है, कि यार तुम जो कोर्स कर रहे हो, तुम जिस कोर्स के लिए पे कर रहे हो 4 साल तक, क्या वो तुम्हें बाद में पे करेगा, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बार आंख खोल के सोच लेना पहले, कोर्स सेलेक्ट करने से पहले, काउंसलिंग करने से पहले, कि क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो छठवा पॉइंट पे गया, रेड क्रॉसिंग का मतलब कि यार ये सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा यार ये वीडियो तुम टाइम से पहले देख लिए, तो यार एक बार काउंसलिंग के टाइम ये वीडियो वापस से खोलना और वापस ये 10 पॉइंट देख लेना, तो काफी हेल्प होगा तुम्हें, ठीक है। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट का काफी बड़ा है यार वैसे, चलो देखते क्या लिखा है। नॉट कंसिडरिंग और वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द एडुकेशनल कंसल्टेंसी ऑफरिंग द पैकेज, ठीक है, या फिर पैकेज की जगह अगर मैं बोलूं तो यहां पे लिख दो कॉलेज, क्योंकि अगर पैकेज बोलेंगे या तो 4 साल की बात हो गई, ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी की, तो ऑफरिंग द कोर्स बोल लो, ठीक है। ये मैंने क्या बोला यार कि देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार कि हम जो डॉक्यूमेंट डाल रहे वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर हमने वो चीज डाल दिया और होता क्या है ना कि कभी कभार अच्छी फोटो नहीं आती है, या फिर हमने अगर मैक्सिमम लिमिट कोई भी फोटो या इमेज की क्रॉस की होती है तो उसे कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता है, उस बात का बहुत ख्याल रखना, ठीक है, काउंसलिंग करने के टाइम। और होता क्या है ना कि अगर मान लो कि तुमने डाल दिया, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए 3-4 दिन हो गए, तुम्हें मेल आया, लेकिन तुमने मेल इग्नोर कर दिया कि सॉरी कि फोटो चेंज करना है, या फिर वेरिफिकेशन वापस से बोर्ड 10th के बोर्ड के फोटो डालने हैं या 12th के बोर्ड के ओरिजिनल सर्टिफिकेट डालने हैं, और तुमने वो मिस कर दिया, तो ये सबसे बड़ा गलती होता है, काफी बेवकूफी वाला काम, ये मेरे दोस्त भी करते हैं यार और काफी मैंने देखा भी है। तो यार ये गलती से बचना, ठीक है, जब तक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक अपना मेल चेक करते रहना, ठीक है, कॉलेज को मैसेज करते रहना, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा जो वेरिफिकेशन है वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्योंकि देखो एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर सिर्फ फीस का काम रहता है, ठीक है, और फीस कुछ भरना कुछ ज्यादा बड़ा काम, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, जो काम है इसी का रहता है कि हम कैसे फोटो अपलोड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और शायद CUCT का एक वीडियो है 4 मिनट का होगा, जिसमें फॉर्म फिलअप का शायद ऑप्शन दे रखा है, हर्ष ने वीडियो बनाया था, काफी अच्छा है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो वहां से एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यार ये भी कट गया, ये सब चीज का स्टूडेंट्स काफी ध्यान देना, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर नहीं हो पा रहा है तो काउंसलिंग के टाइम वापस ये वीडियो खोलना और देखना, लेकिन यार अब गलती मत करना, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें पॉइंट पे। तो यार 8वां पॉइंट क्या है, मिसिंग डेडलाइंस ऑफ कॉलेज, सोने में व्यस्त हो गए, या फिर वही अंधों की कहानी, ठीक है, फिर से ये वाली गलती मत करना। यार इसको क्या ही समझाऊं मैं कि यार तुम अब कॉलेज के डेडलाइन मिस कर रहे हो, तो यार तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन ही है, तुम अपने कैरियर में अभी इंटर भी नहीं हुए हो और तुम अभी से आलसपना दिखा रहे हो कि यार मैं यार ठीक है यार बाद, अच्छा यार इसका फाइनल डेट हो संडे को रात में 12 बजे, तो चलो यार 11:55 में सबमिट किया जाएगा आराम से, ठीक है। तो यार ये गलती मत करना, ये सब चीजों काउंसलिंग एक बार हो जाता है ना तो फिर बहुत टेंशन रिलीज हो जाता है लाइफ में, जहां तक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। तो जो जो अगर तुम्हें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलते जाए ईमेल में कॉलेज के थ्रू, तो तुरंत तुरंत वो करते रहना, और वो कॉलेज वाला जो भी मांग रहा है उन्हें प्रॉपर ढंग से देते रहना, ठीक है, और डेडलाइन भी मत करना, बस ले दे के बात यही है। आगे चलते हैं 9th पॉइंट क्या है, इग्नोरेंस ऑफ द प्लेसमेंट इंटर्नशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। आगे ना बात फिर से वही घूम के भेड़ चाल पे ही, कि यार चले गए आग बंद करके कॉलेज में, अच्छा 4 साल बाद यार अब पता नहीं लग रहा है कि कुछ सरकारी जॉब की तैयारी कर लेते हैं या कुछ ये कर लेते हैं, चलो यार स्टार्टअप ट्राई कर लेते हैं। सिंपल से बोलना भाई कि प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, बात तो यही है ना,
अगर मैं बात करूं इसकी तो यार पहला चीज तो यह कि कॉलेज पढ़ने से पहले देख लेना एक बार कि यार उस कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ऐसा दावा करते हैं यार कि 100% प्लेसमेंट, 99% प्लेसमेंट, 200% प्लेसमेंट। ठीक है, तो यार प्लेसमेंट जरूरी है, मानता हूँ, लेकिन यार उसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से कॉलेज के बारे में पता कर लेना प्लेसमेंट, सॉरी एडमिशन लेने से पहले, कि उनका प्लेसमेंट का क्या सीन है। अगर सबसे अच्छा रहेगा यार कि जो उस कॉलेज से पास आउट है, जो किसी कंपनी में, एक्स वाई जेड कंपनी में काम करे, एक बार उनसे बात कर लो, तो उनसे अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हें उस कॉलेज के बारे में कोई नहीं देगा। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और ये पॉइंट तो है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक बार तुम अपने डिजायर्ड कॉलेज के पास आउट से बात कर लेते हो ना, सुपर सीनियर जिसे हम बोलते हैं, तो यार एक टेंशन रिलीज हो जाता है माथे से। अगर वो बोल देता कि हाँ भाई ये कॉलेज तेरे लिए बेस्ट सूटेड है, मैं भी यही सोचता था पहले तेरे जैसा, लेकिन फिर मैं इस कॉलेज में आया, फिर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गई कॉलेज को देखने के लिए, तो यार बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो यार एक चीज ये भी बहुत अच्छा ध्यान में रखना, और उनसे प्लेसमेंट्स के बारे में तो जरूर पूछना। ठीक है, आगे चलते हैं और चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ जो मैंने बनाया है, डिपेंडिंग ओनली ऑन वेब इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो एक बार मैं बताना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉलेज की ओरिजिनल वेबसाइट की सॉरी वेब इंफॉर्मेशन के बारे में, मैं बोल रहा हूं जनरल न्यूज जो क्रोम के नीचे चलते रहते हैं कॉलेज के बारे में, या फिर कुछ अपन सर्च करते हैं तो उस पर आ जाते हैं, उस पर मत रहना। न्यूज पर ना कॉलेज के सीनियर से बात करना, जिस कॉलेज में जाने वाले हो उसके बारे में बात करना, डेट्स के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करना, अगर तुम लोग सोच रहे हो एक ही कॉलेज में जाने का। ठीक है, अपने अपने ड्रीम आइडियाज को लेके, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लेके, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद ही चूज करना कि तुम्हें क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत है। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, सिर्फ वेब इंफॉर्मेशन के बारे में हमें रुक के नहीं रहना है यार, न्यूज देखना है, न्यूज में भी काफी कुछ आता है यार, जेई मेन से रिलेटेड, कॉमेट के से रिलेटेड, किसी कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो वेब में होता क्या है ना कि वेब में तुम्हें आधी जानकारी दी रहती है, आधी नहीं दी रहती है। ठीक है, वो आधी जानकारी हमें उनसे पता चलता है जो उस कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, जो वो एग्जाम दे चुके हैं, जो उस कॉलेज से पास आउट है। ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से बताएंगे यार कि एक्चुअली में चल क्या रहा है मामला कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो यार ये थे मेरे 10 पॉइंट्स जो कि काउंसलिंग के टाइम पे तुम याद रखना और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गलती मत करना बिल्कुल भी, और अपने रिजल्ट पे विश्वास रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार कि जो ये वीडियो देखने के बाद भी गलती करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो बस मैं चाहता हूँ यार कि अगर मैं 100% को ठीक नहीं कर पाऊँ तो कम से कम 80% लोग जो है देख रहे वीडियो वो गलती ना करे। ठीक है, बस इतना ही था, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहना लोगों से, अपने कॉलेज के बारे में जानते रहना, और सब कॉलेज के बारे में भी देखते रहना जिससे तुम इंटरेस्टेड हो, फैसिनेटेड हो, तुम्हें क्या कोर्सेज चाहिए, क्या कोर्सेज नहीं चाहिए, किस में तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा है, अपने रिलेटिव के बात पे काम आना, दोस्तों से जो तुम्हें बोल रहे कि यार चलो यार तुम्हारे वहां एडमिशन करा देंगे एक्स वाई जेड कॉलेजेस में, उसकी बातों में मत रहना, अपना पोटेंशियल देखना कि यार तुम कहां लाइक करते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ओनली यू मैटर्स टू योर पेरेंट, नो वन एल्स। ठीक है, सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो, और प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन, तो ठीक है मैंने वो बोल ही दिया है, तो और क्या है, बस भाई खुश रहो, थैंक यू, धन्यवाद।